भिवंडी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद खालिद गुड्डू ने आज ही टोरेन कंपनी के विरोध में उन्होंने मोर्चा निकाला और आवाम के बीच उन्होंने ऑफिस में ना जाकर खुद अधिकारी को बुला के सड़कों पे मेमोरेंडम दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम बांद्रा बाइक यात्रा मोर्चा टोरेन कंपनी के विरोध में ले जाएंगे। और उन्होंने ये कहा कि हम 10 वकील अपनी पार्टी की तरफ से आवाम के काम के लिए मुफ्त कर दिए हैं, उन्होंने जो चाहे वो हमसे मदद ले सकते हैं। अब वो मीडिया से बातचीत करते हुए खालिद गुड्डू ने क्या बताया, आइए देखें। और जो कुछ हमारी मांगनी है, जो शहर से जुड़ा हुआ है, जनता से जुड़ा हुआ है, जो इनके मीटर फास्ट चलते हैं, जो ये गलत तरीके से लोगों से बिल वसूल करते हैं, जो ये गलत तरीके से 100 लोगों को पाल के रखे हैं, कमीशन पे चोरी का केस बनाते हैं, ये सब हमने खत्म करने के लिए जो हमारी एमएससीडी सेल के लोग हैं उनका नियंत्रण अधिकारी यहाँ बिठाने के लिए मांग किया है। सर, जो गरीबों के ऊपर अधिक बिल आता है, जैसा आपने बताया कि जबरन उनके ऊपर मीटर का बिल अधिक लगा के, तो टोटल मीटर हम उखाड़ फेंकने की बात किए हैं। और जो जनता का कानून से हम दूसरी कंपनी का मीटर लैब में टेस्ट करा के वो मीटर लगाएंगे। एमएससीबी के अधिकारी, कौन अधिकारी आपसे मिले हैं एमएससीबी के और उनसे क्या बातें हुई और क्या उन्होंने आश्वासन दिया है? पुष्पा चौहान मैडम जो है सी है, उन्होंने हमको कहा है कि तुम्हारी जो मांगनी है जल्द से जल्द हम ये टोरेन के विरुद्ध में जो तुमने मोर्चा निकाला है हम ये अपनी शासन तक पहुँचाएंगे। अगर आपकी मांगे नहीं पूरी गई तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो 5 नवम्बर को बांद्रा में हमारा प्रकाशगढ़ जो एमएससीडी बड़े अधिकारी बैठते हैं वहाँ पर हम ये मोर्चा लेकर जाएंगे। ये मोर्चे का ऐलान हम अभी कर रहे हैं।